हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके पिछले वीडियो में हम आपके बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हम एक टॉपिक है अपवाह तंत्र, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पिछले तीन वीडियो में अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा, पहला हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। फिर हमने हिमालय अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। और हमने इन तीनों अपवाह तंत्रों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपना जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखिए शुरू करते हैं अपना प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हम इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को भी दो भागों में बांटते हैं, एक है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और दूसरा अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है अरब सागरीय अपवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। ठीक है, हमने प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा है, एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। तो देखिए जो अपना अरब सागरीय अपवाह तंत्र है इसमें जो नदियाँ पश्चिमी तट या फिर पूर्वी तट से या फिर मध्यवर्ती क्षेत्र से निकल रही है और जो निकल के फिर अरब सागर में गिर रही है, जो नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से निकल कर अरब सागर में गिर रही है वो नदियाँ किस में आती हैं, अरब सागरीय अपवाह तंत्र में। और जो नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में जा रही है वो नदियाँ आती है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में। तो देखिए हम इन दोनों तंत्र में कौन कौन सी नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये अपना जो ये है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, इसमें हम पहली जो नदी है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती, साबरमती, चौथी है अपनी माही नदी, पांचवी है लूणी नदी। ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है उसमें हम पढ़ते हैं, पहली है हमारी महानदी, दूसरी है गोदावरी नदी, तीसरी है अपनी कृष्णा नदी, अगली है कावेरी नदी, फिर अपनी है पेन्नार। ठीक है, इस प्रकार से हम इन नदियों को एक एक करके हम इन नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम पहले पढ़ते हैं अपना जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली नदी है हमारी महानदी। हम देखते हैं जो महानदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो इसका उद्गम स्थल यहाँ से छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट सहवा। ठीक है, महानदी का जो हम उद्गम स्थल देखते हैं तो महानदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार में छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट सहवा नामक स्थान से इस नदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है, कौन सी नदी है ये, महानदी। ठीक है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट सहवा नामक स्थान से इस नदी का उद्गम हो रहा है। फिर यह नदी छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर रही है,
फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, हमने देखा कि जो महानदी है वो छोटा नागपुर पठार के छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट निकल रही है। रायपुर के निकट सहवा नामक स्थान से महानदी का उद्गम स्थान स्थल हो रहा है। फिर ये छत्तीसगढ़ को पार करके उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा में बहकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो हम विशेषताएँ देखें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। जो कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड, हीराकुंड जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी विशेषता है कि भारत का ये सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। ठीक है, इसके अलावा एक है नजार और एक टीकरा पार। इस प्रकार से ये दो अन्य बांध भी इस नदी के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपनी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। तो देखिए, गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के बारे में हम देखते हैं तो गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में त्रियंबकम की पहाड़ियों से, त्रियंबक की पहाड़ी जो नासिक में है, त्रियंबक की पहाड़ियाँ नासिक से गोदावरी नदी निकल रही है। फिर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा रही है और ये बंगाली खाड़ी में इस प्रकार से अपना जल गिरा रही है, एक बड़ा डेल्टा का निर्माण कर रही है। ये कौन, इसका जो अपवाह क्षेत्र उसके बारे में हम देखें तो ये त्रियंबकम नासिक से निकल रही है जो महाराष्ट्र में है, तो इसका अपवाह तंत्र हो गया एक तो महाराष्ट्र, फिर ये जा रही है तेलंगाना में, तेलंगाना, और ये तेलंगाना के पठार को दो भागों में बांट रही है। तेलंगाना का जो ये पठार है, इस पठार को, ये पठार के बीच में से ये नदी गुजर रही है, तो तेलंगाना के पठार को ये नदी दो भागों में बांट रही है। फिर आगे ये जा रही है आंध्र प्रदेश में, इस प्रकार से महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस नदी का अपवाह क्षेत्र हो गया। और हम इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम देखें तो इसके उत्तर से जा रही पाँच नदियाँ इसमें आके मिल रही हैं, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है, और इसके दक्षिण से केवल इसमें एक ही नदी मिल रही है। हम इनके नाम देखते हैं कि नदियाँ पाँचों कौन कौन सी हैं। तो ये जो गोदावरी नदी है इसके उत्तर में मिलने वाली नदी है, पहली है दूधवा, दूसरी है पूर्णा, तीसरी है प्राणहंता, चौथी है पेनगंगा और पांचवी है वेनगंगा। इस प्रकार से इसकी ये पांच सहायक नदियां हैं जो उत्तर की ओर से इसमें मिल रही है और इसकी ओर से दक्षिण में केवल एक ही नदी मिल रही है जिसका नाम है मंजीरा। मंजीरा नदी जो गोदावरी नदी में मिल रही है। इस प्रकार से इसकी छह सहायक नदियां हैं, पांच इसकी नदियां जो उत्तर से आगे इसमें मिल रही है और केवल एक ही नदी है जो दक्षिण से आगे इसमें मिल रही है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में कुछ विशेषताओं को देखते हैं तो ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है ये जो गोदावरी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। ठीक है, फिर एक बात हम देखते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो हिमालयी नदियों से बहुत अधिक पुरानी है। क्यों? क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है हिमालय से बहुत पहले ही हो चुका था। इस प्रकार से इस क्षेत्र की जो नदियां वो पहले ही बहना शुरू हो गई थी, इसलिए ये सबसे पुरानी नदी भी है, इसलिए इसको बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी नदी। ठीक है, हमने इसके तीन नाम देखे, एक तो है इसकी जो ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, हमने इसके बारे में देखा कि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? गोदावरी नदी। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये सबसे बड़ी नदी इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है।
ठीक। फिर हमने देखा कि यह सबसे पुरानी नदी है, इसलिए इसको बूढ़ी नदी भी कहा गया। ठीक, इस प्रकार से हमने कुछ विशेषताएं से गोदावरी नदी के बारे में देखी है। गोदावरी नदी है जो त्रियंबकम नासिक से महाराष्ट्र से निकल रही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही है। इसकी ये कुछ पांच सहायक नदी हैं जो उत्तर से निकल रही है, एक है जो दक्षिण से निकल रही है। जो उत्तर से नदियाँ आ रही हैं वो है दुधवा, पूर्णा, प्रणहंता, पेनगंगा और वेनगंगा। जो दक्षिण से जा रही है उसका नाम है मंजरा। इस प्रकार से हमने इसके बारे में देख लिया। आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं अपनी कृष्णा नदी। तो देखिए कृष्णा नदी है, इसका उद्गम स्थान है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। ठीक, कौन सी नदी है ये? कृष्णा नदी। और ये कौन सी थी? गोदावरी नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हम देखें तो इस नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से ये नदी निकल रही है, और फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश। तो इसके उद्गम जो अपवाह क्षेत्र वो गए महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश में ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और पहली है गोदावरी और दूसरी है कृष्णा नदी। ठीक है, आगे हम इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं जो उत्तर से आ रही हैं वो है तीन नदियां, दो तीन, और दक्षिण से जा रही है एक नदी। तो जो उत्तर से आ रही है उनको हम देखते हैं। पहली है भीमा, दूसरी है कोयना, तीसरी है मुसी। ठीक है, दो छोटी छोटी नदियां और भी हैं जिसमें चौथी है घटप्रभा और पांचवी है मालप्रभा। ठीक है, इस प्रकार से कृष्णा नदी के जो सहायक नदियां हैं उनमें जो उत्तर से जो नदियां आ रही हैं उनमें है भीमा, कोयना, मूसी, घटप्रभा और मालप्रभा। अब ये देखिए जो मूसी नदी है इसके ऊपर अब एक शहर बसा हुआ है और उस शहर का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है? मूसी नदी के ऊपर, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अपनी जो कावेरी नदी है, और एक है इसके दक्षिण में भी एक नदी जा रही है जिसका नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। इस प्रकार से हमने कृष्णा नदी के बारे में देख लिया कि इसका जो उद्गम स्थान है वो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से यह नदी निकल रही है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में हमने देख लिया कि उत्तर से इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है भीमा, कोयना, मूसी, घटप्रभा और मालप्रभा, और दक्षिण में इसकी एक सहायक नदी है जो है तुंगभद्रा, और मूसी नदी जो इसकी सहायक नदी है उसके ऊपर हैदराबाद नगर बसा हुआ है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और अपनी है कावेरी नदी, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी जो कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी कर्नाटक। यह नदी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका उद्गम स्थान केवल दो ही राज्यों में होता है, एक तो कर्नाटक में जहाँ से नदी निकल रही है और अगला है तमिलनाडु। ठीक है, इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है जो है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम नामक बांध है जो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? कावेरी नदी के ऊपर। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि ये जो कावेरी नदी है वह दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त जल प्राप्त करती है। एक तो कौन सा? दक्षिण पश्चिमी मानसून,
दोनों मानसूनों से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी जल प्राप्त करती है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी ये नदी है जो जल प्राप्त करती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से ये जल प्राप्त करती है गर्मियों के मौसम में, और ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसमें ये सर्दियों में जल प्राप्त करती है। ठीक है, ये एक ऐसी नदी है जो दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करती है, इसकी एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, हमने इसका देश के बारे में देखा कि इसका जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मगिरी कर्नाटक से हो रहा है और इसका अपवाह क्षेत्र है वो कर्नाटक और तमिलनाडु है। ठीक, आगे हम चलते हैं और अपनी जो पेन्नार नदी है उसके बारे में हम देखते हैं। पेन्नार नदी का हम देखते हैं तो ये इसका जो उद्गम स्थल है वो है नंदा दुर्ग, बिल्कुल दक्षिण में है इसका जो उद्गम क्षेत्र है नंदा दुर्ग, एक छोटी सी नदी है जिस ये जो पेन्नार है इसका जो उद्गम स्थल है वो नंदा दुर्ग से है, फिर ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये हमारी हो गई सारी कौन सी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाकर गिराती है, उस नदियों के बारे में हमने देख लिया है। आगे हम चलते हैं और हमारे जो अरब सागर नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अरब सागर नदियों के बारे में मैंने बताया कि जो नदियाँ अपना जल प्रायद्वीप में भारत से तो ये नदियाँ निकल रही हैं और अपना जो जल है वो कहाँ ले जा रही है, अरब सागर में, तो वो उन नदियों को हम बोलते हैं अरब सागरीय नदी। देखिए, इनमें जो सबसे पहले नदी है उनमें हम देखते हैं, देखिए हमारी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का हम उद्गम स्थान देखिए तो ये नदी निकल रही है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक भारत के मध्य में अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। फिर अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलकर पश्चिम में बहती है और पश्चिम में मध्य प्रदेश और फिर गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती हुई ये कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में या फिर खंभात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। एक ज्वार नदमुख बनाती हुई खंभात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता यह है कि इस नदी के जो ऊपर है, इस नदी के उत्तर में तो है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, और इस नदी के जो दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। और ये जो नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पर्वतों के बीच से एक ब्रंश घाटी के रूप में ये इस प्रकार से बह रही है और इसके ऊपर दो जलप्रपात बने हुए हैं, कपिलधारा दुर्ग और धुआंधार और कपिलधारा। ये जो जलप्रपात है इस नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमने इसके बारे में देखा है कि इसका उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियाँ और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और ज्वार नदमुख बनाती हुई ये नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके ऊपर दो जलप्रपात हैं, दुग्धधारा और कपिलधारा। और यह जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में है विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत और यह नदी इन दोनों पर्वतों के बीच से एक भ्रंश घाटी के रूप में बह रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर इसकी एक मुख्य बात यह है कि ये जो अरब सागर जो नदी है, अरब सागर जो अपवाह तंत्र है उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये नर्मदा नदी है। आगे हम देखते हैं इसकी है ताप्ती नदी। तो देखिए, जो ताप्ती नदी है वो निकलती है इसके जस्ट नीचे से, कहाँ से? मुल्ताई नगर से, मुल्ताई मध्य प्रदेश से। कौन सी नदी निकल रही है? ताप्ती नदी। और बिल्कुल इसके समानांतर बहती हुई, जैसे जिस डायरेक्शन में ये बह रही है उसी डायरेक्शन में ये नदी भी बह रही है। यहाँ से निकलकर इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये हो गई अपनी ताप्ती नदी। फिर हम देखते हैं कि ये ताप्ती जो नदी है वो सतपुड़ा, इसके उत्तर में तो है सतपुड़ा और दक्षिण में है अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। यह ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी के रूप में बह रही है। जिस प्रकार से ये नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच ये बह रही है,
उसी प्रकार से ये ताप्ती है, ताप्ती है वो सतपुड़ा और अजंता, इनके बीच इस प्रकार से भ्रंस घाटी के रूप में बह रही है। ठीक है, इस प्रकार से ये नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में महाराष्ट्र में बहती हुई खंबाती घाटी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपनी है साबरमती। देखिए जो साबरमती नदी है वो राजस्थान से निकल रही है, राजस्थान में ये उदयपुर से, राजस्थान में उदयपुर से जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह नदी निकल रही है, फिर राजस्थान से होती हुई ये गुजरात में प्रवेश कर रही है। ठीक है, कौन सी नदी है ये? साबरमती, साबरमती, साबरमती नदी है जो राजस्थान में उदयपुर के पास से बह रही निकल रही है, इसका उद्गम स्थान है, फिर राजस्थान और फिर गुजरात में बह रही है, फिर गुजरात में बहकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसके ऊपर जो नगर बसा हुआ है वो है गुजरात में अहमदाबाद। कौन सा नगर है? अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद जो नगर है वो कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है? साबरमती की नदी के ऊपर। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपनी माही नदी। तो देखिए जो माही नदी है वो निकल रही है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में मेहद झील से, मध्य प्रदेश में जनपावा की जो पहाड़ियां हैं वहां पे एक मेहद झील है, वहां से माही नदी निकल रही है। मेहद झील से निकलकर यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवेश कर रही है, मध्य प्रदेश से निकल रही है, राजस्थान में बांसवाड़ा के निकट ये नदी प्रवेश कर रही है, और फिर बांसवाड़ा के निकट राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये नदी ऊपर जाती है, उत्तर में जाती है, और कर्क रेखा को ये नदी दो बार काटती है, कर्क रेखा को ये नदी दो बार काटती है, ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आती है, और फिर नीचे जाकर ये नदी कहाँ मिल जाती है? गुजरात में, एमपी से निकल रही है, राजस्थान में ये नदी प्रवेश कर रही है और फिर वापस गुजरात में आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से इस नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वो तीन राज्यों में हो गया, कौन सा? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, और इसके हम जो सहायक नदियाँ उनके बारे में हम देखें तो इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सोम और जाखम, सोम और जाखम, इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी? माही नदी की। ये कौन सी नदी है? माही नदी, माही नदी। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा है कि जो माही नदी है मध्य प्रदेश में मेहद झील से निकल रही है, मध्य प्रदेश से निकल राजस्थान में प्रवेश कर रही है, और राजस्थान में प्रवेश करके कर्क रेखा को दो बार काट रही है, पहले ऊपर जा रही है फिर वापस नीचे आ रही है, और फिर नीचे जाके गुजरात में प्रवेश कर रही है, और फिर गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, फिर ये लास्ट है अपनी लूणी नदी। तो देखिए जो लूणी नदी है वो राजस्थान में जो आपके अरावली पहाड़ियाँ हैं, राजस्थान में अजमेर है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से, अजमेर की नाग पहाड़ियों, नाग पहाड़ी, ये जो लूणी नदी है, लूणी नदी का उद्गम स्थान देखिए तो लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकल रही है, फिर अजमेर से निकलकर ये जोधपुर, जालौर, सिरोही इन राज्यों में बहती हुई, इन जिलों में बहती हुई ये कच्छ के रण में, कच्छ के रण में ही यहाँ पर लुप्त हो जाती है। ठीक है, और फिर ये आगे अंतर होती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से हमारी ये जो सभी नदियाँ थी, बंगाल की खाड़ी की अपतंत्र की नदियाँ और अरब सागरीय जो नदियाँ थी उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है, और आज का ये अपना टॉपिक है ये समाप्त हो रहा है। हमारा जो अपवाह तंत्र का जो टॉपिक था, एक बड़ा टॉपिक था जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।